वैलेंटाइन डे आ चुका है और आप सभी जानते हैं कि प्रेमियों के लिए यह दिन काफी खास होता है। प्रेम से जुड़ी कई कहानियां समाज में सुनने को मिलती है, जिनमें रोमियो, जूलियट, लैला, मजनू जैसी कहानियां आम बात है। लेकिन आज हम बात करेंगे उत्तराखंड की ऐसी अमर प्रेम कहानी की, जो युगों युगों से प्रेम की मिसाल दे रही है। उत्तराखंड की लोक गाथाओं में गाई जाने वाली 15वीं सदी की अनोखी प्रेम कथा है राजूला और मालूशाही की। कहते हैं कुमाऊं के पहले राजवंश कत्यूर से ताल्लुक रखने वाले मालूशाही जोहार के शौका वंश की राजूला के प्रेम में इस कदर दीवाने हुए कि राजपाट छोड़ सन्यासी हो गए। उनके प्रति राजूला की चाहत भी इसी कदर की कि उसने भी किसी चीज की परवाह न करते हुए मालूशाही से मिलने चली गई। कत्यूर की राजधानी बैराट वर्तमान में चौखुटिया में है। जनश्रुति के अनुसार बैराट में राजा दौला शाह राज करते थे। उनकी संतान नहीं थी। उन्हें सलाह दी गई कि वह बागनाथ में भगवान शिव की आराधना करे तो संतान की प्राप्ति होगी। वहां दौला शाह को संतान विहीन दंपति सुनपति सौक गांगुली मिलते हैं। दोनों तय करते हैं कि एक के यहाँ लड़का और दूसरे के यहाँ लड़की हो तो वह दोनों की शादी करा देंगे। कालांतर में शाह के यहाँ पुत्र और सुनपति के यहाँ पुत्री जन्मी। लेकिन ज्योतिषी राजा दौला शाह को पुत्र की अल्प मृत्यु का युग बताते हुए उसका विवाह किसी नौरंगी कन्या से करने की सलाह देते हैं। लेकिन दौला शाह को वचन की याद आती है और वह सुनपति के यहाँ जाकर राजूला मालूशाही का प्रतीकात्मक विवाह करा देते हैं। इस बीच राजा की मृत्यु हो जाती है। दरबारी इसके लिए राजूला को कोसते हैं और अपवाह फैलाते हैं कि अगर यह बालिका राज्य में आई तो राज्य का अनर्थ होगा। उधर राजूला अपनी माँ से कहती है कि हे माँ, दिशाओं में कौन सी दिशा प्यारी है, पेड़ों में कौन सा पेड़, गंगाओं में कौन सी गंगा व देवों में कौन से देव, राजाओं में कौन सा राजा और देशों में कौन सा देश। उसकी माँ ने राजूला को उत्तर दिया, दिशाओं में प्यारी पूर्व दिशा जो नवखंडी पृथ्वी को प्रकाशित करती है, पेड़ों में पीपल सबसे बड़ा क्योंकि उसमें देवता वास करते हैं, गंगाओं में सबसे बड़ी भागीरथी जो सबके पाप धोती है, देवताओं में सबसे बड़े महादेव जो आशुतोष हैं, और राजाओं में राजा है रंगीला मालूशाही, और देशों में सबसे प्यारा देश है रंगीला बैराट। वहीं राजूला मालूशाही के ख्वाब देखते ही बड़ी हो जाती है। इस बीच हूण देश के राजा विखीपाल राजूला की सुंदरता की चर्चा सुन सुनपति के पास विवाह का प्रस्ताव भेजता है। राजूला इस प्रस्ताव को मंजूर नहीं करती है और बचपन में हुई प्रतीकात्मक विवाह की अंगूठी लेकर नदी नाले पर्वत पार करते मुन्यसारी बागेश्वर होते हुए बैराट पहुँच जाती है। लेकिन मालूशाही की माँ को दरबारियों की बात याद आ जाती है और वह निंद्रा में राजा को जड़ी सुंघाकर बेहोश कर देती है। राजूला के लाख जगाने पर भी राजा मालूशाही नहीं जगता है और राजूला रोते हुए वापस अपने प्रदेश आ जाती है। यहाँ माता पिता के दबाव में हूण राजा से उसका विवाह करा देते हैं। उधर मालूशाही जड़ी के प्रभाव से मुक्त होता है और उससे राजूला का स्वप्न आता है, जो उससे हूण के राजा से बचाने की गुहार लगाती है। मालूशाही को बचपन के विवाह की बात भी याद आ जाती है। वह राजूला के पास जाने का निश्चय करता है तो माँ इस बात का विरोध करती है। इस पर मालूशाही राजपाट केस त्याग सन्यासी हो जाता है। दर दर भटकते हुए उसकी मुलाकात बाबा गोरखनाथ से होती है। उनकी मदद से वह हूण के राजा के यहाँ पहुँचता है। राजूला मालूशाही को देख अति प्रसन्न हो जाती है, लेकिन मालूशाही की हकीकत राजा विखीपाल पर खुल जाती है और वह उसे जहर देकर मार देता है। लेकिन राजा मालू गुरु गोरखनाथ की सिखाई बॉक्साड़ी विद्या से पुनर्जीवित हो जाता है और विखीपाल को मार देता है और अंततः अपनी राजूला को अपने राज्य बैराट में लेकर आ जाता है। कहानी का अंत बेहद ही खूबसूरत होता है। उम्मीद करती हूँ कि आप सभी श्रोताओं को उत्तराखंड की प्रसिद्ध राजूला मालूशाही की यह प्रेम गाथा पसंद आई होगी। तो चलिए आज के लिए बस इतना ही।